बताया है, लगाएंगे ध्यान। तारों पहला दिया ने समझना, तारों पहला दिया ने और तातिकों तमाशो देखो, और तारों ध्रुवया ने बालापन गायो है, तारो भीषणिया ने ब्रात को तमाशो देखो, लंकेश को गर्भ गह डायो है, तारो मोर ध्वज सुतुसी सुपे चलायो आरो, तारो मोर ध्वज सुतुसी सुपे चलायो आरो, और उतारो हरिश्चंद्र याने सत्य नहीं हारो है, सो भक्त भक्त तारे तो और वैसा न प्रभु कौन कियो, बिन भक्त तारे तो वैसा न हो त्यारो है। लेकिन सरदारो सुन रहे थे, वास्तव में सही बात है, ये भेदभाव तो हमारे तुम्हारे अंदर है, लेकिन इसमें भी एक बात आती है, सुना ध्यान से। जैसे ये गांव है ऐसे ही गांव था, उसमें एक भक्त और एक भक्तानी रहा करते, उनका नियम था उनके दरवाजे के सामने होकर जो कोई भी गुजरता था साधु संत महात्मा अतिथि, उसको बुलाना और उसकी सेवा। लेकिन एक दिन क्या हुआ तो वहां से नारद जी गुजर रहे थे, उनका तो नियम था ही, बुलाया प्रेम से आदर भाव किया, नारद जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे भक्त मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तो पूछिए कि आप घर में कितने सदस्य हैं, मेंबर हैं। जब ये शब्द सुना तो आज पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे मुनि जी हम केवल दो प्राणी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोई संतान नहीं है, कि नहीं है, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक पुत्र होगा, मैं अभी नारायण विष्णु भगवान के पास जाऊंगा, लेकिन ध्यान लगाना क्या हुआ कैसे लिखा भैया कवि ने, ये सब में प्रयोग कर रहा हूं उस परमात्मा के लिए, संतान भाग्य में ये है या नहीं संतान भाग्य में, और विष्णु से पूछवाया है अब सात जन्म तक रहे निपुत्री,
ये सा जन्म तक रहन पुत्री स्वामी ने फरमाया है। ये क्या रुपए हमें श्रीमान जी पदम मास्टर जी गोदावली वाले प्रदान करते हैं भैया, क्या बताया। और ये क्या रुपए हमें शिवचरण जी गोदावली वाले प्रदान करते हैं, भगवान इनको अपार संपत्ति दे। और ये हमें 21 रुपए हमारे वाहवा जी प्रदान करते भैया, लेकिन क्या बताया, सुनेंगे ध्यान से भैया जी। और ये हमें 51 रुपए रमेश पहलवानी प्रदान करते हैं, लेकिन ध्यान लगाए आज क्या हो रहा है। जब विष्णु भगवान के पास नारद जी पहुंचे, कहने लगे देखो यार नाम को गोदावली में कोई भगत हुआ का, हाँ देखियो भाई कै संतान है। अरे नारद, अरे तू जन्म की बात करता है, उसके तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, 7 जन्म तक तो प्रभु मैं कहती एक दे दो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। लेकिन आगे क्या होता है। और ये क्या मतलब हमें श्रीमान जी प्रीतम सिंह प्रदान करते हैं भैया, क्या लिखा है कवि ने। ये एक समय दुखिया के द्वारे 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 द्वारे, ये एक समय दुखिया के द्वारे और एक तपस्वी आए हैं। और कछु दिना पीछे वही खरन जाए एक संत जी ऐसे जाए रहे, उनका तो नियम था ही बुलाया, आदर कर रहे, पावन मशक रहे, सेवा कर रहे, लेकिन क्या हुआ, ये एक समय दुखिया के द्वारे एक तपस्वी आए हैं और प्रेम से भोजन पान किया, फिर ऐसे वचन सुनाए हैं। अब समझो बे बाबू खुश है कि कछु कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सुनना ध्यान से। ये 4 पुत्र होंगे तेरे दंत कर 4। अब संत जी कह रहे हैं बेटा भगत मैंने ते 4 रोटी खाई, जा तो 4 छोरा हूं, समझो। आज वो संत की कृपा से समय के अनुसार उस भगत के 4 लड़के पैदा हुए। अब सरदारो यह बात की मार में धीरे धीरे कौन है कि नारद पर गई, नारद जी जैसे ही सुना कि बाप भगत पर 4 छोरा है गए, गुस्सा है गए और कहा कह रहे बेटा क्या बताया। ये नारद सोच है अपने मन में, ये नारद सोच है अपने मन में और खेल समझ नहीं आता है और झूठ बोल कर मुझे फसाया, देखो जाए विधाता है। ये झूठ बोल कर मुझे फसाया, देखो जाए विधाता है। और 7 जन्म तक पुत्र नहीं था अवचारण की, ये 7 जन्म तक पुत्र नहीं था और अवचारण की माता है। लेकिन जैसे ही नारद ने सोचा, आज वो बोलने वाले घर से पहले से ही जान गए कि नारद आ रहा है और यह बात है पूछेगा। पहली बीमारी को बहाना बना के लेट नारद पहुंचे, प्रणाम प्रभु, के प्रणाम भैया, के ऐसे कैसे जरे तुम, मैं तो बीमार हूं, के बीमार तो प्रश्न पूछूंगा पीछे, पहले को अंजू बताओ क्या बीमारी को इलाज का है, इलाज सुन इसका क्या इलाज है। जो सबसे बड़ा भक्त होगा, जो परम भक्त होगा, वो अपने गुर्दे को निकाल कर मुझे दे दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हा सरदार, जब गुर्दे वाली बात आई नाथ घबरा गए। एक बात है बाप भगत ने भाई लिस्ट लाओ, पूरो भाई खातो ले लो, और जब भाई खातो ले लो तो हम सबंती ऊपर नारद को नाम लिखे रहो।
कई भाई तो पूरी भर रही है। अब बा भाई के अनुसार अब गांव गांव में घूम रहे है, कोई विष्णु भगवान का भक्त है, कोई नारायण का भक्त, आज वो मरने वाले हैं, उनके लिए गुर्दे की जरूरत दे सकता है कोई? लेकिन क्या हुआ बेटा, ये नाई सभी भक्तों ने कीनी, ये नाई सभी भक्तों ने कीनी, और नारद मन घबराते हैं और गए पास आ उसी भक्त के, अब गए पास आ उसी संत के, ऐसे वचन सुनाते हैं और देख लिया मेरे भक्तों को, जैसे ही संत के पास पहुंचे कहने लगे नारायण को मेरे विष्णु भगवान को गुर्दे की जरूरत है। आज संत ने खंजर को छाती में भोंक लिया, ले जाइए गुर्दा। ये मारी कटारी अपने तन में, ये मारी कटारी अपने तन में, अपना खून गहाते हैं, ले लिया कटोरा हाथों में, ले लिया कटोरा हाथों में, प्रभु ऐसे वचन सुनाते हैं, और ले लिया कटोरा हाथों में, प्रभु ऐसे वचन सुनाते हैं। ये क्या मरूप हमें सभी सिंह जाटव जी प्रदान करते हैं, ले लिया कटोरा हाथों में, प्रभु ऐसे वचन सुनाते हैं, अब देख लिया मेरे भक्तों को अपनी जान गवाते हैं। अच्छी लगे तो ताली, इन भक्तों के वचन यहाँ से कभी न खाली जाते हैं।